गुड मॉर्निंग सबको। तो प्रोजेक्शंस ऑफ अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, मतलब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट किसका किसका आता है, थीटा फाई का एंड अल्फा बीटा का। ठीक है, अल्फा बीटा बेसिकली क्या है आपके, अपेरेंट एंगल्स। बेसिकली क्या है आपके, अपेरेंट एंगल्स। एंड थीटा एंड फाई क्या है आपके, ट्रू इंक्लिनेशन। ट्रू इंक्लिनेशन, ठीक है, थीटा किसका इंक्लिनेशन है, थीटा एचपी के साथ। एंड फाई किसके साथ है, फाई आपका वीपी के साथ। ठीक है, तो आप पूछोगे सर ट्रू इंक्लिनेशन से अपेरेंट इंक्लिनेशन कॉन्सेप्ट बनता ही क्यों है, क्योंकि बेसिकली आपका लाइन जो है वो दोनों प्लेन्स के साथ इंक्लाइंड है, इसलिए कोई भी व्यू आपका ना ही ट्रू लेंथ बताएगा और ना ही आपका ट्रू इंक्लिनेशन बताएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट बनता है थीटा फाई अल्फा बीटा का। तो कैसे, जब हमें थीटा और फाई गिवन हो, कैसे हम यहाँ से अल्फा एंड बीटा तक पहुंचे, और कैसे अगर हमें ट्रू लेंथ गिवन हो हम पहुंचे टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू तक, और कैसे हमें जब टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू गिवन हो हम कैसे ट्रू लेंथ तक पहुंचे। ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको इस सेशन में मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपको बेसिकली फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ए बी जो है आपका वीपी से भी इंक्लाइंड है एंड एचपी से भी इंक्लाइंड है। तो फ्रंट व्यू में आपको दिखेगा एफ वी जो अल्फा के साथ है। बेसिकली अल्फा क्या है आपका, अपेरेंट एंगल है। ठीक है, अपेरेंट एंगल, ठीक है, यही आपका इंक्लिनेशन होता है एचपी के साथ, अगर ये वीपी के साथ भी इंक्लाइंड ना होता। पिछले क्लास में मैंने इसी को बता दिया था इंक्लिनेशन विद एचपी, पर वो मैंने क्या सोच के बताया था, ये सोच के बताया था कि आपका जो लाइन है वो वीपी के साथ इंक्लाइंड नहीं है, बट यहाँ पर वीपी के साथ भी इंक्लिनेशन उसकी आ जाती है, तो इसलिए अल्फा जो है अपेरेंट एंगल बन जाता है ना कि ट्रू इंक्लिनेशन। ठीक है, चलिए। और टॉप व्यू में आपको दिखेगा बीटा, बीटा भी आपका ट्रू इंक्लिनेशन नहीं है क्योंकि वो बेसिकली एक प्रोजेक्शन है। तो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों में हमें इसका प्रोजेक्टेड लेंथ दिख रहा है, ठीक है, ना कि उसका ट्रू लेंथ। तो प्रोजेक्टेड लेंथ से कैसे पहुंचेंगे ट्रू लेंथ तक, ट्रू लेंथ से कैसे पहुंचेंगे प्रोजेक्टेड लेंथ तक, एंड ट्रू इंक्लिनेशन एंड अपेरेंट इंक्लिनेशन के बीच में कैसे हम आगे पीछे करेंगे हमें समझना है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आया, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। और ये अल्फा है विच इज नॉट इक्वल टू थीटा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू फाइ। ठीक है, और आपको बता दूं अल्फा हमेशा थीटा से बड़ा होगा, बीटा हमेशा फाई से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपके बेसिकली अपेरेंट एंगल्स है। ठीक है, और वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपका लाइन जो है वो दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन्स या रेफरेंस प्लेन्स के साथ इंक्लाइंड है। और ये आपका एक एनिमेशन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे जब आपका लाइन दोनों रेफरेंस प्लेन्स के साथ इंक्लाइंड हो जाता है तो कैसे उसका एंगल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और ट्रू एंगल बेसिकली अपेरेंट एंगल में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, आप उसके शेडोज से देख पा रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन जो है वो ट्रू इंक्लिनेशन बनाना बंद कर देता है जब वो आपका लाइन दोनों ही प्लेन के साथ इंक्लाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। पहले वो सिर्फ एचपी के साथ इंक्लाइंड है, उसके बाद जैसे ही वीपी से इंक्लाइंड हो रहा है वो आपका शेडो का जो एंगल है विद वीपी वो आपका चेंज हो रहा है, वो बेसिकली वो एंगल नहीं रह जा रहा है जो एंगल इसका एचपी के साथ बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, अपेरेंट एंगल। तो ये आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस मींस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी आर शोन बिलो विद द अपेरेंट इंक्लिनेशंस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपके अपेरेंट इंक्लिनेशंस है, इसलिए ये टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बेसिकली आपके प्रोजेक्शंस है जो कि ट्रू लेंथ आपको नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या करना है, बेसिकली इसको रोटेट करना है, और ये आपको दिख रहा है ए से आप एक लाइन बनाएंगे ऐसा, बी से एक लाइन बनाएंगे ऐसा। ठीक है, आपको मेरा ध्यान रखना है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू के जो एंड पॉइंट है वो एक ही लाइन पे मीट करें। ठीक है, और आपका ए के साथ जो आपकी इसके लोअर पॉइंट लाइंस बना रहे हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं यार, ये बेसिकली इनको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली इनको बोलते हैं हम लोकस। क्या बोलते हैं इनको, लोकस। तो लोकस आपका एक नया कॉन्सेप्ट है
जो आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली लोकस का क्या यूज है, कितना ज्यादा यूजफुल है ये, और कैसे इसके बिना आप नहीं बना पाओगे इसको, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही करना है आपको। यहाँ पर आपके पास फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है, और उससे आपको ट्रू लेंथ तक पहुंचना है। तो पहले हमने किया रोटेट, उसके बाद किया प्रोजेक्ट, रोटेट किया, फिर हम उसको स्ट्रेट ले गए। और ठीक है, स्ट्रेट कहाँ तक ले जाना है हमें, बी डैश, जो हमने पहले बनाया था, बी डैश बेसिकली जो फ्रंट व्यू था हमारा, उसके लोकस तक। इसलिए मैंने बताया था लोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आप इसको देखिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ मैं, आप इसको देखिए, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए थे। हम लोग को बेसिकली अब क्या करना है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू से हम कैसे ट्रू लेंथ तक पहुंचे, वो मैंने समझाया पहले आपको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम रोटेट कर रहे हैं क्योंकि हमें सेम लेंथ चाहिए ना, हमें सेम लेंथ चाहिए, हमें लेंथ सेम चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर रोटेट करेंगे। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, है ना, हम इस पॉइंट को ला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप रोटेट मत कर देना, रोटेट नहीं करना हमें, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है उसका। हम बेसिकली ये क्या है, ये उसका प्रोजेक्शन है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ट्रू व्यू और फ्रंट व्यू बेसिकली एक प्रोजेक्शन होता है उसका। ट्रू लेंथ यहाँ पर नहीं मिलेगा हमें उसका, ट्रू लेंथ हमें यहाँ पर तो ट्रू लेंथ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंक्लाइंड, ठीक है। चलिए देखिए इसको, तो हमने यहाँ पर हमने पॉइंट लाया प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन को फिर ए डैश के लोकस पे ले गए, फिर ए डैश के लोकस पे ले गए, ठीक है। तो यहां से हम बी डैश तक पहुंचे फिर, ठीक है। अब बी डैश कहाँ पर है आपका, बी डैश बी वन डैश के लोकस पे बनाया है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट मिला है, तो आप यहां से यहां तक की लाइन बनाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका फ्रंट व्यू, जो कि ट्रू लेंथ नहीं है, आपको अच्छे से पता है क्योंकि हमने बेसिकली उसका प्रोजेक्शन लिया है, बेसिकली हमने उसका प्रोजेक्शन लिया है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली उसका हमने प्रोजेक्शन लिया है, तो अगर प्रोजेक्शन लिया है तो ट्रू लेंथ तो है नहीं, और ये अल्फा क्या है, अल्फा आपका अपेरेंट अपेरेंट एंगल, ठीक है। तो इसके सब सबको सब समझ में आया, फ्रंट व्यू से हम कैसे ट्रू लेंथ तक पहुंचेंगे एंड ट्रू लेंथ से कैसे हम फ्रंट व्यू तक पहुंचेंगे, क्या दोनों ही स्टेप्स सबको समझ में आए हैं। क्वेश्चंस के आपके दो ही टाइप्स होंगे स्ट्रेट लाइन में, अगर वो यस सर, दोनों के साथ इंक्लाइंड है तो, वेरी गुड। चलिए तो यहां से हम समझ गए कैसे फ्रंट व्यू बनाया, और बेसिकली सेम ही तरीके से हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, और फिर इसको रोटेट करेंगे और फिर ये बनाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो देखो कहां पे क्या किया हमने, हमने यहां पे रोटेट किया और इसको स्ट्रेट ले गए, ठीक है। बट यहां पर हम स्ट्रेट ले गए, उसके बाद यहां पे जाके रोटेट किया, ठीक है। यहां पे क्या है, रोटेट देन स्ट्रेट, यहां पर क्या है, स्ट्रेट देन रोटेट, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इमेजिन कर पाओगे तो आपको ये स्टेप्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, बट इन केस अगर आपको कोई मैकेनिकल एक स्टेप्स चाहिए, ये स्टेप्स है आपके। अगर आपको व्यूज से ट्रू लेंथ तक पहुंचना है तो पहले रोटेट, उसके बाद स्ट्रेट, और अगर आपको ट्रू लेंथ से व्यूज तक जाना है तो पहले स्ट्रेट प्रोजेक्ट, उसके बाद रोटेट। चलिए तो हेयर ए वन ए डैश बी वन डैश कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रू लेंथ, ए बी वन गिव्स द फ्रंट व्यू, ठीक है, ए बी वन गिव्स द फ्रंट व्यू, हेंस इट इज ब्रॉट अप टू लोकस ऑफ ए डैश एंड फर्दर रोटेटेड, ठीक है। ये चीज आप समझ जाएंगे जब आप एक बार आप समझ गए हैं इसको पिक्टोरियली, तो वर्ड में भी समझ लेंगे आप,
ठीक है, तो इसमें कुछ आपके टर्म्स हैं, वो टर्म्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या है, बेसिकली अपेरेंट एंगल्स है, अपेरेंट एंगल्स है, ठीक है। और एल टी वी एल एफ वी क्या है, ये भी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ क्या है हमारे, ए डैश बी वन डैश एंड ए एन बी वन, ठीक है। एक मिनट, ए एन बी वन होगा ये, ठीक है, ए बी, सॉरी, ठीक है, ए बी। फिर एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विद एच पी इज थीटा, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विद वी पी इज फाइव, एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विद एक्स वाई, फ्रंट व्यू विद एक्स वाई, फ्रंट व्यू गए तो ऑब्वियसली अपेरेंट होगा, ठीक है। अल्फा हमेशा क्या होगा, थीटा से बड़ा। एंगल ऑफ टीवी विद एक्स वाई बीटा, और हमेशा किससे बड़ा होगा, ये फाइव से बड़ा। फिर एल टी वी क्या है, बेसिकली एल टी वी है आपका लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, ठीक है, एल टी वी, ठीक है। एल टी वी बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, मतलब कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका एल टी वी है, ठीक है। और एल एफ वी क्या है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू, मतलब जब आप इसको इसका प्रोजेक्शन लोगे है ना, और फिर बनाओगे, तो ये आपका एल एफ वी होगा, ठीक है। बेसिकली ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन, सॉरी, यहां तक ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है, और ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन लेने के बाद रोटेट करो, ठीक है। तो ये आपका एल टी वी, पोजिशन ऑफ ए, डिस्टेंसेस ए एंड ए डैश, सबसे पहले आपको यही बनाना है, सबसे पहले आपको यही पॉइंट्स बनाने, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से या तो आप थीटा बनाएंगे या तो अल्फा बनाएंगे। अगर फ्रंट व्यू गिवन है तो पहले अल्फा बनाएंगे, उसके बाद आप ट्रू लेंथ तक पहुंचेंगे, और अगर ट्रू लेंथ गिवन है, थीटा गिवन है, तो थीटा से ट्रू लेंथ से अल्फा, ठीक है। स्टेप्स तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, एंड प्रोजेक्टर मतलब ये आपका, जैसे ये प्रोजेक्टर है, एक प्रोजेक्टर ये, एक प्रोजेक्टर ये, तो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, ठीक है। बस तो ये आपकी चीजें हैं, चलिए। इसमें एक और चीज रिमेंबर करनी है, ट्रू लेंथ इज नेवर नेवर रोटेटेड, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ड्रॉन एंड इट्स फर्दर रोटेटेड टू लोकेट द व्यू। मैंने बताया आपको, जब आपको ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू तक पहुंचना है, रोटेट नहीं करोगे आप सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे, उसका प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है। प्रोजेक्शन को दूसरे व्यू के लोकस तक ले जाओगे या इसके लाइन तक, और फिर इसको यहां पे रोटेट करोगे, ठीक है ना, यहां पे रोटेट करोगे। तो प्रोजेक्शन इज नेवर ट्रू लेंथ इज नेवर रोटेटेड, प्रोजेक्शन रोटेट करोगे आप, जब आप ट्रू व्यू से ट्रू लेंथ तक पहुंचोगे तो इसको रोटेट ही करोगे आप, रोटेट करोगे और फिर इसको स्ट्रेट ले जाओगे, ठीक है। बट कभी भी ट्रू लेंथ को रोटेट हम नहीं करते हैं। चलिए, जनरल केसेस, अब प्रॉब्लम नंबर वन, ये आपको कल कराया गया है, फिर भी आपको रिवाइज कर लेते हैं। लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग एंड इट्स 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड वीपी, मतलब 30 डिग्री बेसिकली हमारा थीटा है एंड 40 डिग्री क्या है हमारा फाई, एंड ए इज 12 mm अबव एच पी, मतलब ये किसमें दिखेगा हमें, बेसिकली फ्रंट व्यू में दिखेगा, ठीक है, 12 mm अबव एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये कहां दिखेगा हमें, टॉप व्यू में। अब ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस, हमें क्या गिवन है, हमें हमारे पास पहले क्या है, हमारे पास पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो हम थीटा बनाएंगे सबसे, तो पहले थीटा बनाया, ट्रू लेंथ 75 mm, ट्रू लेंथ ही दिखाएंगे इसमें, हमें थीटा ही गिवन, थीटा ही बनाएंगे इसलिए हम, ठीक है। और ये क्या है, टॉप व्यू में 40, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रू लेंथ, फिर से इसको क्या करेंगे, इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, और फिर इसको यहां पे आके जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसको रोटेट करेंगे, और फिर कहां पे जोड़ेंगे इसको, इसके लोकस पे, ये जो पॉइंट हमारा आया था इसके लोकस पे जोड़ेंगे, और फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा, ये क्या था हमारा फाई, ये क्या था बीटा, और ये क्या बन गया हमारा टॉप व्यू। सिमिलरली ये हमारा ट्रू लेंथ था, ट्रू लेंथ को हम प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, फिर इसको इस लाइन तक ले जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम रोटेट करेंगे कहां तक,
इस ट्रू लेंथ का जो पॉइंट था इसके लोकस तक रोटेट करेंगे, रोटेट किया यहां तक पहुंचे, और फिर इस पॉइंट को और उस पॉइंट को हम जोड़ेंगे। एक मिनट रुको, इस पॉइंट को और उस पॉइंट को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा अल्फा, एंड अल्फा किसका, थीटा से बड़ा है, और ये क्या आ जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। क्या सबको समझ में आया ये? मैं आपको ये फिगर देखने के लिए दूंगा थोड़ी देर तक, देखो आप, कोई भी डाउट है तो पूछो मुझसे। समझ में आया आप लोगों को कैसे जब हमें ट्रू इंक्लिनेशन गिवन होंगे तो कैसे हम अपेरेंट इंक्लिनेशन तक पहुंचेंगे। चलिए तो आंसर देख लेते हैं, आंसर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बस इसमें आपके स्टेप वाइज है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, नीचे वाले पॉइंट्स को लोकेट किया, वही जो मैंने किया था। फिर इनके लोकस बनाए, ये बेसिकली क्या है, इनके लोकस है। फिर हमने ट्रू लेंथ बनाया किसके साथ, थीटा के साथ, ठीक है, नहीं मतलब ट्रू इंक्लिनेशन के साथ। उसके बाद ट्रू लेंथ फाई के साथ, सेम चीज, B1 - B1 आ गया हमारे पास, ट्रू लेंथ आ गया। फिर क्या करेंगे, B1 का प्रोजेक्शन, B1 का प्रोजेक्शन, या B1 का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहां तक आ गया, इसको क्या करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, है कि नहीं, इसको रोटेट करेंगे। बेसिकली क्या है, कंपास को रखो, ठीक है, कंपास के कोनिकल, कंपास के नीडल को यहां रखो और पेंसिल को यहां रखो और रोटेट कर दो, ठीक है ना, यही करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली रोटेट किया हमने उसको, यहां तक पहुंचे, रोटेट किया यहां तक पहुंचे और फिर इसको जोड़ दिया। तो ये कौन सा एंगल आ गया हमारा, अल्फा आ गया, ठीक है, अल्फा आ गया, ठीक है। अब जब हमें यहां तक पहुंचना है तो यहां तो आप इसको यूज कर लो, या तो आप इसको नीचे ले जाओ, यहां पे ले जाओ और इसको रोटेट करो, रोटेट करके यहां तक लाओ, ठीक है, या फिर क्या करो आप इसी पॉइंट को यूज करो, इसी पॉइंट को स्ट्रेट ले जाओ और इसके लोकस पे इंटरसेप्ट करवा दो और उसको फिर से जोड़ दो। ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है। तो क्या समझ में आया है क्वेश्चन, कैसे हम ट्रू लेंथ से जी। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू तक पहुंचे, ठीक है। अब एक वीडियो है 3 मिनट का, आप उसको देखिए ध्यान से, उसको ये एनिमेटेडली दिखाएगा वीडियो कि कैसे आपको जाना है आगे। चलिए
तीन टमाटर कट कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो के थ्रू देखा कि कैसे हम लोग ट्रू लेंथ से यहाँ तक पहुंचेंगे एंड यहाँ पे ट्रू लेंथ से यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी ये जो लाइंस है ये बेसिकली आपके, इसको बोलते हैं हम ट्रेसेस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेसेस। आपके सिलेबस में इतना नहीं है बट फिर भी आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं ट्रेसेस क्या है। ट्रेसेस बेसिकली कुछ नहीं है आपका, जैसे आपका देखो ऐसा आपका प्लेन है, ठीक है, और आपका लाइन अगर इंक्लाइंड है एचपी के साथ, तो वो जहां पर एचपी को जाके इंटरसेक्ट करेगा, उसको जब एक्सटेंड करेंगे हम, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। और अगर वो वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन को जहां पर जाके वो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। इस ट्रेस के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप बस अभी थोड़ा समझ के रखिए बस इसको कि ट्रेसेस बेसिकली आपका जहां पर भी इंक्लाइन लाइन प्रिंसिपल प्लेन्स को जाके इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है उन्हीं पॉइंट्स को हम ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं काटता हूँ। तो अभी हमने समझ लिया इसको, चलिए पॉइंट नंबर टू देखते हैं। ए बी 75 mm लॉन्ग, फिर से लॉन्ग मेक्स एन इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद बीपी। तो बेसिकली हमें क्या दिया है? फाइव। एंड इट्स फ्रंट व्यू मेक्स फिफ्टी सर, ये फाइव वीडियो भी डिग्री ग्रुप में मिल सकती है? ठीक वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल ग्रुप पे यार, चिंता मत करो, वीडियो भी डाल देंगे हम, ठीक है। है। वाइल इट्स एफ फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री, ठीक है। तो इसका फ्रंट व्यू मेक कर रहा है 55 डिग्री, मतलब क्या गिवन है हमें? एल्फा गिवन है, ठीक है। हमें एक तो फाइ गिवन है और दूसरा क्या गिवन है? एल्फा, ठीक है। तो दोनों के दोनों मेथड्स हम लगाएंगे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन बना दिया आपने, ठीक है। एंड ए इज 10 mm अबव द एचपी, मतलब ये फ्रंट व्यू में दिखेगा, ठीक है। ठीक है, आपका ये हो गया ए डैश अबव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये कहाँ दिखेगा आपको? टॉप व्यू में, ठीक है। इफ लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है बेसिकली, ठीक है, 45 डिग्री विद द वीपी, ये कहाँ दिखेगा आपको? टॉप व्यू में, ठीक है। तो टॉप व्यू में हमारा 45 डिग्री है, तो मैंने जो 45 डिग्री है ये बेसिकली क्या है? फाइ के साथ बनाया है, तो ये कौन सी लाइन होगी हमारी? ये हमारी ट्रू लेंथ होगी, ठीक है, ट्रू लेंथ होगी। और यहां से मैंने इसका लोकस बना दिया, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हम पहले फ्रंट व्यू तक पहुंचते हैं। चलो, तो फ्रंट व्यू तो गिवन ही हमें, ठीक है। तो फ्रंट व्यू 55 डिग्री, 55 डिग्री साथ फ्रंट व्यू। तो क्या करेंगे हम, देखो इसका ले लेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है, इसका ले लिया प्रोजेक्शन, इसको ले गए यहाँ पर, ठीक है। और यहां से हमने एक लाइन खींची, कितने पे?
55 डिग्री पे, ठीक है, और फिर इसको रोटेट किया, और जहां पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया वहां तक क्या हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। समझ पा रहे हो कैसे पहुंचा मैं वहां तक? ठीक है, फ्रंट व्यू। तो ये बी डैश हो गया, ये पॉइंट बेसिकली ये फ्रंट व्यू बन गया हमारा। ठीक, तो इसी से अगर हमें, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। पहले एक्स वाई लाइन बनाया, प्रोजेक्शंस, पहले ए डैश बनाया, फिर ए बनाया, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री बनाया फाई के साथ, तो ये हमारा ए बी वन क्या आ गया, ट्रू लेंथ आ गई। ठीक है, फिर ऐसे 55 डिग्री एक लाइन बनाया, फिर बी वन से हमने क्या किया, लोकस ऑफ बी वन से हम ले गए प्रोजेक्शन उसका, ट्रू लेंथ को कभी भी रोटेट नहीं करते, हमेशा उसका प्रोजेक्शन लेके जाते हैं। प्रोजेक्शन लिया, ए डैश के लोकस पे जोड़ा, फिर वहां से रोटेट किया इसको, और कहां से रोटेट किया, 55 डिग्री लाइन तक, तो ये क्या बन गया हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, समझ गए? अब या तो आप इसको रोटेट करो फिर यहां तक ले जाओ, और सॉरी इसको रोटेट करो तो यहां तक आएगा, ठीक है, रोटेट करो और यहां तक ले जाओ और इसको सीधा ले जाओ, ठीक है, तो वहां से आपका बन सकता है टॉप व्यू। ठीक है, या फिर आप सीधा इस पॉइंट को स्ट्रेट ले जाओ और वहां से भी आपका टॉप व्यू बन जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो, ऑब्वियसली जो सेकेंड तरीका है वो सिंपलर है। ठीक है, समझ पाए आप लोग? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है मुझसे। चलिए फिर, तो ये हमें दिख गया कि कैसे हम लोग, हमें जब कॉम्बिनेशन गिवेन हो, ट्रू लेंथ गिवेन हो और व्यू भी गिवेन हो, तो उससे हम कैसे उनकी करेस्पॉन्डिंग व्यूज में और करेस्पॉन्डिंग ट्रू लेंथ तक पहुंचेंगे। चलिए, तो इस लिंक को फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इस लिंक को फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिए और फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फटाफट इस लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 2 समझ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन इज 50 डिग्री इंक्लाइन टू द एक्स वाई, मतलब बेसिकली हमें क्या गिवन है, अल्फा इंक्लाइन टू एक्स वाई एंड मेजर्स 55 mm लॉन्ग। तो ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू का लेंथ है, ट्रू लेंथ नहीं है। व्हाइल इट्स टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई, बेसिकली क्या गिवन है, बीटा। ठीक है, इफ एंड ए इज 10 mm अबव द एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, फाइंड द ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एचपी एंड वीपी। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बनाया एक्स वाई लाइन, ठीक है, फिर हमने एंड ए इज 10 mm अबव द एचपी, हमें दिखेगा ये फ्रंट व्यू में 10 mm, ठीक है, और 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो हमें कहां दिखेगा ये टॉप व्यू में। ठीक है, उसके बाद हमने यहां से लोकस बनाया, यहां से एक लोकस बनाया, ठीक है, फिर 50 डिग्री इंक्लाइंड टू एक्स वाई, तो हमने क्या बनाया इसका फ्रंट व्यू, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाया 50 डिग्री इंक्लाइंड, ठीक है, और ये है कितने का, 55 mm का है। ठीक है, अब टॉप व्यू का 60 डिग्री इंक्लाइंड तो है, बट वो गिवन नहीं है कि कितना लेंथ है, तो क्या करेंगे, एक नॉर्मल 60 डिग्री का लाइन खींच देंगे। अभी हम इसका कहां तक खींच रहा है ये वो नहीं बनाएंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं हम रोटेट करेंगे, रोटेट किया यहां तक पहुंचे, ठीक है, फिर यहां से हम सीधा ले गए, ठीक है, और ठीक है, और यहां से देखो, अब आपको पता है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू जो आपके लाइंस है बेसिकली एक ही लाइन में लाई करते हैं, सबसे पहले हम टॉप व्यू तक पहुंचेंगे, हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा
वो क्या होगा, टॉप व्यू का बी पॉइंट, स्मॉल बी पॉइंट, है कि नहीं? तो इसलिए देखो वो सेकेंड मेथड यूज करना ज्यादा ज्यादा ईजी है और ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ पर हम देखो स्ट्रेट लाइन तक पहुंच पाए, ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए, बी पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। अब रोटेट किया इसको, रोटेट करने के बाद कहाँ ले जाएंगे इसको, स्ट्रेट ले जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट ले गए और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइव, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइव। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रू लेंथ, किसमें, टॉप व्यू में, ठीक है, ट्रू लेंथ टॉप व्यू का हमारा बन गया, ठीक है, और बी डैश का लोकस तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर हम इसको अब सीधा ले जाए, इसको अगर हम सीधा ले जाए, बेसिकली इसका प्रोजेक्शन ले जाए, इसका प्रोजेक्शन कहीं यहां पर होगा, ठीक है, और इस प्रोजेक्शन को ले जाने के बाद इसको फिर रोटेट करें, तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, एक मिनट रुको रुको रुको, वहां तक तो पहुंचना ही नहीं हमको, क्योंकि बेसिकली हमारा फ्रंट व्यू तो हमारे पास है ही, तो वो तो हमें करना ही नहीं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया, टॉप व्यू आ गया एंड ट्रू लेंथ आ गया, ठीक है। अब हमें कहाँ पहुंचना है, हमें ट्रू लेंथ चाहिए फ्रंट में, फ्रंट में ट्रू लेंथ कहां पर है, वहां चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको रोटेट, ठीक है, बेसिकली ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को रोटेट करेंगे, ट्रू लेंथ को रोटेट नहीं कर सकते हम, और इसको ले जाएंगे आगे, ठीक है, और फिर इसको बी डैश के लोकस पे काट देंगे, ठीक है, और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ देंगे, है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा हमारा ट्रू लेंथ, और ये क्या बन जाएगा हमारा थीटा, ठीक है। तो क्या ये सॉल्यूशन को समझ में आया है? देखो वही सेम चीज होगी अभी यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले ए डैश एंड ए को इनके लोकस बनाए गए, ठीक है, हमारे पास 50 डिग्री फ्रंट व्यू गिवन भी था और इसका लेंथ भी गिवन था, ठीक है, फिर बी डैश से हमने 60 डिग्री वाले लाइन को काटा, तो बी आ गया हमारे पास, फिर हमने बी डैश को रोटेट किया, रोटेट करके आगे ले गए, तो इसको स्ट्रेट ले गए, तो ये क्या बन गया हमारा ट्रू लेंथ, ठीक है। क्या सबको प्रॉब्लम नंबर थ्री समझ में आया, प्रॉब्लम नंबर थ्री कैसे क्या समझ में आया सबको, प्रॉब्लम नंबर थ्री में कोई डाउट? इसमें क्या गिवन था हमारे पास, बेसिकली हमारे पास व्यूज का एंगल गिवन था, बेसिकली अपेरेंट एंगल्स गिवन थे हमारे पास, और किसी एक व्यू का हमें लेंथ गिवन था, अगर किसी एक व्यू का लेंथ गिवन नहीं होता तो हम नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो किसी एक व्यू का लेंथ हमें गिवन होना चाहिए। तो ये आपकी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर फोर, लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, मतलब बेसिकली ट्रू लेंथ गिवन है उसका, इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर 50 mm एंड 60 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों का लेंथ गिवन है, एंड ए इज 10 mm अबव द एचपी, 15 mm अबव इन द वीपी, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी इफ बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो हमें बेसिकली एचपी एंड वीपी का एंगल निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपके थीटा एंड फाइ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और हमारे पास अगर लेंथ गिवन है तो हम उससे बेसिकली अल्फा और वो भी निकाल सकते हैं, कैसे हम देखते हैं इसमें, ठीक है, तो ड्रॉ एक्स वाई लाइन एंड बन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर बना दिया हमने, बेसिकली ये वाला और ये वाले डायमेंशन यूज कर लिए, इनके लोकस बना दिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास टॉप व्यू का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है 50 mm, तो वो हम बन सकता है हमारा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कितना बन गया, ये 50 mm बन गया, एक मिनट, फ्रंट व्यू इज 50 mm एंड टॉप व्यू इज, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हमने 60 mm पे बनाया, कट ये 60 mm पे हमने बनाया, ये जो लेंथ है हमारी ये 60 mm है, क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं हम टॉप व्यू बनाते हैं, उसको रोटेट करते हैं और फिर उसको स्ट्रेट ले जाते हैं, है कि नहीं, तब हमारा
पॉइंट आता है इंटरसेक्ट करने के लिए फ्रंट व्यू का, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर 60 mm हमने मेजर किया, ठीक है, 60 mm पे काटा, और इसमें हमने 50 mm पे काटा और उसको ले गए, तो ये हमारा ट्रू लेंथ आ गया। ट्रू लेंथ ऑलरेडी गिवन है 75 mm हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फ्रंट व्यू 50 mm है, टॉप व्यू 60 mm है। तो टॉप व्यू बेसिकली 60 mm आपका हो कैसे रहा है, क्योंकि आपका जो टॉप व्यू 60 mm इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो लाइन है वो एचपी से किसी ना किसी इंक्लिनेशन पे होगा, है ना। और ये इंक्लिनेशन का जो प्रोजेक्शन है, जो बेसिकली आपका 60 mm है, वो आपका किसमें दिखेगा, आप टॉप व्यू में, है ना। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि आपका जो ट्रू लेंथ है उसका जो कॉस थीटा होगा, ठीक है, थीटा एंगल विद द एचपी, बेसिकली किसमें दिखेगा आपको, टॉप व्यू में। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इसको 60 mm बनाया और फिर इसको रोटेट किया, ठीक है, और इसको 75 mm तक हम लंबा किया हमने इसको, ठीक है। कैसे, देखो 75 cos थीटा इज इक्वल टू 60 mm, है कि नहीं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 60/75, विच इज नथिंग बट 4/5। तो आप कैलकुलेटर में cos इनवर्स ऑफ 0.8 निकालेंगे तो उससे आपका थीटा आ जाएगा। सिमिलरली जब आप cos थीटा यहाँ के लिए cos phi इज इक्वल टू 75/, क्या ये क्या है, 50 mm है, 50 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3/2, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ 1.5 को क्या बता देगा, 5 बता देगा, ठीक है। तो यही इसके तरीका था कि कैसे हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब तो बस फिर तो नॉर्मल है, आप अगर ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन लेंगे और रोटेट करेंगे तो और इस लाइन को जोड़ देंगे तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है। और उसको अगर आप स्ट्रेट ले जाएंगे तो आपका टॉप व्यू बन जाएगा। कोई डाउट, ये प्रॉब्लम नंबर 4 हल्का सा कॉम्प्लेक्स था, कोई डाउट किसी को किस स्टेप पे तो पूछ सकता है, किस स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो फिर तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ अ लाइन, ट्रेस मैंने बता दिया, बेसिकली आपका जब लाइन दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइन होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं वर्टिकल प्लेन को भी काटेगा जब उसको एक्सटेंड करा जाएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी काटेगा जब उसको एक्सटेंड करा जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सटेंड करके जब हम उस किसी प्लेन के साथ कोलाइड करा रहे हैं या इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो जिस पॉइंट पे वो उस प्लेन को इंटरसेप्ट करेगा वही पॉइंट आपका ट्रेस होगा, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और इट्स एक्सटेंशन विद रिस्पेक्टिव रेफरेंस प्लेन्स, रेफरेंस प्लेन्स बोल लो, प्रिंसिपल प्लेन्स बोल लो, ठीक है। अ लाइन इटसेल्फ और इट्स एक्सटेंशन वेयर एवर टचेस द एचपी दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द लाइन ऑन द एचपी, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उस पे ट्रेस को क्या बोलेंगे हम, horizontal trace या फिर HT. Similarly, a line itself or its extension wherever touches VP, that point is called trace of the line on the VP. या फिर उसको क्या बोलेंगे, VT. ठीक है, VT it is a point on VP. ठीक है, it is a point on VP. Hence its front view. It is called front view of the point on VP. Obviously बात है, VP को जहाँ intersect करेगा वो हमें front view में दिखेगा, और HT को जहाँ HP को जहाँ करेगा वो intersect, वो कहाँ दिखेगा हमें, टॉप व्यू में, ठीक है। समझ गए ट्रेसेस का मतलब, ठीक है, हल्का हल्का यही मतलब है, ठीक है। ट्रेसेस का बहुत ज्यादा नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, और जो मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ यही एग्जांपल्स और जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं को मिक्स करके मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है। चलिए 70 mm लॉन्ग लाइन PQ, PQ मतलब 70 mm लॉन्ग, मतलब ट्रू लेंथ गिवन है, हैज इट्स एंड P
20 mm above the HP, मतलब कहाँ दिखेगा हमें? फ्रंट व्यू में, एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ दी वीपी, 30 mm फ्रंट ऑफ दी वीपी मतलब यहाँ दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारा बन गया P डैश और ये बन गया हमारा P, बस P, ठीक है? तो ये 20 और ये 30, प्रोजेक्टर लाइन बना लो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है? चलिए, और दोनों से लोकस भी बना दो, ठीक है? तो हमने नई चीज हमने क्या सीखी है, लोकस बना दो, ठीक है? चलिए, द लाइन इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू द वीपी टू द एचपी, मतलब हमें थीटा गिवन है, 45 डिग्री थीटा गिवन बना दिया, ठीक है? और कितना कितना लंबा होगा ये? 70 mm, ठीक है? एंड 30 डिग्री टू द वीपी, ठीक है? 30 डिग्री टू द वीपी मतलब 30 डिग्री के लिए हमने बना दिया, ठीक है? ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है? चलिए, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, तो ये ट्रू लेंथ और ये ट्रू लेंथ, तो बेसिकली फ्रंट व्यू तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? इसका प्रोजेक्शन लिया, ठीक है? इसको स्ट्रेट ले गए, ठीक है? इसको रोटेट किया और इसको रोटेट किया और इसके लोकस पे जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? फ्रंट व्यू, ठीक है? और सिमिलरली इसको लिया, प्रोजेक्शन लिया, ट्रू लेंथ को कभी रोटेट नहीं करना, ये याद रखना, इसको ले गए, फिर लोकस पे लाने के बाद रोटेट किया, इसके लोकस तक ले गए और फिर इस पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है? ये आपका क्या आ गया? बीटा, और ये क्या आ गया आपका? अल्फा, बस इतना ही बनाना है इस क्वेश्चन में, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपके पास सामने है, ठीक है? क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है? आंसर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए दे दूंगा आपको, ठीक है? आपको कैसे आगे बढ़ना है वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। चलिए, एग्जांपल नंबर 6, स्ट्रेट लाइन पीक्यू हैज इट्स एंड 20 mm अबव द एचपी, ठीक है? अबव द एचपी दिखेगा फ्रंट व्यू में, 20, ठीक है? इसको पी मानते हैं, पी डैश अबव द एचपी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, सेम पहले वाला ही डायमेंशन है, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोजेक्शन एंड लोकस लाइन, ठीक है? बना दिया हमने, ठीक है? एंड द एंड क्यू इज 80 mm अबव द एचपी, अच्छा हमें एंड दे रखे हैं इसमें, ठीक है? तो क्यू बना दे, छोटा क्यू, ठीक है? 80 mm अबव द एचपी, तो ये हमें ऑब्वियसली फ्रंट व्यू में दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारा कितना दे रखा है? 80, ये हमें 80 दे रखा है, इसको जोड़ देंगे तो अपने आप एंगल आ जाएगा हमारा, ठीक है? ये कितने का बनाया है हमने, ठीक है? एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 70 mm फ्रंट ऑफ वीपी कहाँ दिखेगा? फ्रंट व्यू में, ठीक है? तो इसको जोड़ दिया हमने, ठीक है? इसको जोड़ दिया। इफ द एंड प्रोजेक्टर्स आर 60 mm अपार्ट, बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर 60 mm अपार्ट है, तो ये 60 है और ये 80 है, मतलब ये 60 mm है और ये 80 mm है, ठीक है? तो ये बताओ आपका ये कितना होगा फिर ट्रू लेंथ, बताओ फटाफट यार, बहुत आसान है, बेसिकली ट्रायंगल बन गया ना, 60 गिवन है, ये 80 गिवन है, ये कितना हो जाएगा? ऐसे कोई फिल्म लगाओ, ठीक है, हो जाएगा आपका 100 mm आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो देख लेते हैं, तो ये आपका आया, ठीक है? हमने सबसे पहले Q1 डैश बनाया, ठीक है? इन दोनों को जोड़ा तो 40 डिग्री एंगल आया, ठीक है? फिर इसको हम नीचे ले गए, ठीक है? और फिर इसको रोटेट किया और इसको रोटेट किया और हम पहुंच गए टॉप व्यू बनाने के लिए, ठीक है? सिमिलरली यहां तक कैसे पहुंचे हम? 70 गिवन है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है? 70 गिवन है और 30 गिवन है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारा ये डिग्री आ जाएगा, फिर इस, तो ये बताओ यहाँ पे जो 40 एंड 25 बेसिकली इस लेंथ और इस लेंथ के वजह से आए हैं, तो ये 40 एंड 25 बेसिकली क्या है हमारे? 40 क्या है? थीटा है कि अल्फा है? बताओ,
इज इट थीटा और इज इट अल्फा? ये हमारे थीटा है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे थीटा है और ये हमारा फाई है, ठीक है। आपके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का रियल लोकेशन बनाया ना हमने यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये हमारे थीटा एंड फाई, और इन्हीं को कैसे हमें प्रोजेक्शन लेके फिर रोटेट करके फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू तक पहुंचना है, वही हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। सुमित कुमार बिल्कुल सही है, थीटा बोला आपने, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू था असाइनमेंट का। चलिए फिर ये है क्वेश्चन नंबर थ्री असाइनमेंट का। एन 80 mm लॉन्ग लाइन ए बी इंक्लाइन 30 degrees टू द वीपी एंड इज पैरेलल टू एचपी। ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये तो बस एक ही प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, किसके साथ? वीपी के साथ। तो टॉप व्यू दिख जाएगा आपको, टॉप व्यू कैसे बनाओगे? बस ऐसे टॉप व्यू बन गया 30 degrees, ठीक है, इसी का ऐसे किया और इस पॉइंट के साथ जोड़ दिया, ये बन गया टॉप व्यू, ये बन गया फ्रंट व्यू और ये बन गया टॉप व्यू। टॉप व्यू क्योंकि इसके साथ तो इंक्लाइंड है ही नहीं, एचपी के साथ ये पैरेलल है, ठीक है। ये बताओ, मैंने आपको ट्रेस पढ़ाया, ट्रेस, ठीक है, ट्रेस पढ़ाया था मैंने इसमें। अब देखो यहाँ पर आपका जो लाइन है वो बेसिकली एचपी के साथ पैरेलल है, तो क्या एचटी हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वो एचपी के साथ पैरेलल है तो क्या उस लाइन का हॉरिजॉन्टल ट्रेस, बेसिकली जो कि होता है वो पॉइंट जहां पे वो प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या यहाँ एच टी आपका बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सही सुमित कुमार, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल ट्रेस आपका नहीं बनेगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं बनेगा। बिल्कुल राजकुमार गुप्ता, वेरी गुड, आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन समझनी है, ठीक है, चलिए। अब ड्रॉ द पोजीशन ऑफ अ 70 mm लॉन्ग पीक्यू सिचुएटेड इन वीपी एंड इंक्लाइंड एट सिचुएटेड इन वीपी, वीपी के अंदर ही है ये, ठीक है ना, तो इसका टॉप व्यू कहाँ होगा? एक्स वाई लाइन पे ही होगा एंड इंक्लाइंड 30 degrees टू द एचपी, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा है, ठीक है, ठीक है। और इसका पोजीशन लोगे तो ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। फ्रंट व्यू किस पे बनेगा? एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा और ये आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू पर यहां बनेगा, सॉरी ऊपर गलत बना दिया मैंने, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका टॉप व्यू बन जाएगा और फ्रंट व्यू किस पे होगा? एक्सपायर लाइन पे ही होगा, ठीक है। द एंड पी ऑफ द लाइन इज 25 mm अबव द एचपी, ठीक है, एचपी के अबव है, ये कहां दिखेगा हमें? यहां पर, ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझना है। तो ये आपका टॉप व्यू होगा और इसी को जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। फ्रंट व्यू किस पे बनेगा? आपका एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा क्योंकि वो वीपी की, सॉरी, टॉप व्यू कहाँ बनेगा आपका? एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा क्योंकि आपका वीपी पे ही है वो, ठीक है। चलिए, अ 60 mm लॉन्ग लाइन पी क्यू सिचुएटेड इन दी एचपी, एचपी के अंदर ही है, तो फ्रंट व्यू कहाँ होगा? एक्स वाई लाइन पे ही होगा, इंक्लाइंड 30 degrees टू दी वीपी, तो ये कहाँ दिखेगा आपको? टॉप व्यू में दिखेगा। एंड पी इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, कहाँ दिखेगा? टॉप व्यू में, ठीक है, ये पी दिख गया 20 mm, ठीक है, एंड 30 degrees इंक्लाइन टू वीपी, तो ये भी कहाँ दिखेगा हमें? यही दिखेगा, ठीक है, 30 degrees गिवन है और ये भी गिवन है कि टू लेंथ कितना है? 60 mm, 60 mm पे काट देंगे इसको, 60 mm बन गया टू लेंथ हमारा, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, टू लेंथ से हमें जाना है प्रोटेक्टेड लेंथ पे, स्ट्रेट लेंगे और स्ट्रेट जाके इसको एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन को काटेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन दी एचपी, एचपी के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली बात है टॉप व्यू कहाँ होगा हमारा? टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर ही होगा, तो ये हमारा बेसिकली एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या बन गया? टॉप व्यू नथिंग बट 60 cos 30, ठीक है, ये आपका टॉप व्यू बन गया एक्स वाई लाइन के ऊपर ही, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर टू का हो गया, सॉरी थ्री का हो गया। और स्ट्रेट लाइन ए बी 55 mm लॉन्ग मेक्स एन एंगल 30 degrees विद द एचपी एंड 45 degrees विद द वीपी,
दोनों के साथ इंक्लाइंड है एंड ए 12 mm अबव द वीपी सॉरी इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 15 mm अबव एचपी, क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ठीक है, तो कोई डाउट आपको नहीं आएगा। चलिए तो स्ट्रेट लाइन आपका आज खत्म होता है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी डाउट, स्ट्रेट लाइन में देखो सबसे पहला है कि दोनों प्लेन के साथ पैरेलल, फिर क्या है किसी एक प्लेन के साथ इंक्लाइंड, फिर तीसरा क्या है दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड, तो कैसे ट्रू व्यू और फ्रंट टॉप व्यू फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ कैसे बनाएंगे बताया मैंने आपको, अपेरेंट एंगल ट्रू एंगल क्या होता है बताया मैंने आपको, ट्रू एंगल से हमेशा बड़ा होता है अपेरेंट एंगल, अपेरेंट एंगल क्यों बनता है क्योंकि आपका लाइन जो है वो बेसिकली दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड, इसलिए हमारा अपेरेंट एंगल का कॉन्सेप्ट आता है और अपेरेंट एंगल हमेशा ट्रू एंगल से बड़ा होता है। तो अपेरेंट एंगल वाले कॉन्सेप्ट में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका ट्रू लेंथ बताया रहेगा ट्रू एंगल बताया रहेगा, आपको टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू तक पहुंचना होगा, तब क्या करेंगे हम बेसिकली ट्रू लेंथ को हम प्रोजेक्ट करेंगे और फिर रोटेट करेंगे, ठीक है, और अगर हमारे पास फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है तो हम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को रोटेट करेंगे और फिर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम एक नई चीज सीखी वो क्या है लोकस, कि लोकस कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकस नहीं बनाओगे आप समझ नहीं पाओगे पॉइंट को कहां जाके इंटरसेक्ट करना है। तो किसी को भी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में कोई भी डाउट है पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को? एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर ये है क्या, इसके बारे में बात कर रहे हो आप? नो सर, प्रीवियस वन। एक मिनट रुको, हम देखते हैं। एग्जाम्पल फोर इसमें, हाँ बताओ क्या डाउट है। अच्छा एग्जाम्पल फोर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ना, हाँ ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन था हमारे पास, ए बी 75 mm लॉन्ग, 75 mm लॉन्ग मतलब हमें ट्रू लेंथ गिवन है, ठीक है, इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर 50 and 60, ठीक है। अभी बताओ फ्रंट व्यू अगर हमें छोटा दिख रहा है इसका मतलब इंक्लिनेशन किसके साथ है, ये बताओ, अगर फ्रंट व्यू हमें छोटा दिख रहा है तो सर इंक्लिनेशन किसके साथ है बेसिकली, वीपी के साथ, ठीक है वीपी के साथ, तो अगर वीपी का इंक्लिनेशन क्या होता है बेसिकली अल्फा और फाई, ठीक है, और फाई कहां बनता है हमारा, फाई कहां बनता है हमारा, फाई बनता है हमारा टॉप व्यू में, ठीक है, तो हमने इसलिए क्या किया, हमने टॉप व्यू के पॉइंट के साथ 50 mm का लाइन खींचा, ठीक है, उसके बाद 60 mm लॉन्ग कहां पर है, टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में अगर 60 mm का लाइन है मतलब टॉप व्यू किसके साथ इंक्लाइन रहेगा, एचपी के साथ, अगर एचपी के साथ इंक्लाइंड है और टॉप व्यू है, ठीक है, एचपी के साथ इंक्लाइंड है, सॉरी टॉप व्यू है, हाँ एचपी के साथ इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू में दिखेगा भाई, ठीक है फ्रंट व्यू में दिखेगा, अगर फ्रंट व्यू में दिख रहा है तो बेसिकली एचपी का इंक्लाइंड बेसिकली थीटा है, तो मतलब थीटा कहां पर होता है हमारा, थीटा होता है हमारा फ्रंट व्यू में, थीटा हमें दिखा दिखेगा फ्रंट व्यू में दिखेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने इसका क्या बनाया 60 mm का लाइन बनाया, ठीक है, या 60 बनाया और यहाँ पे 50 बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने यहां तक बनाया, ठीक है, इसको रोटेट किया और फिर जहां पर 75 mm बनेगा वहां पर किया, तो कितना रोटेट करेंगे हम इसको, रोटेट कितना करेंगे 75/60, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 75/60, ठीक है, बेसिकली 75 है, 75 mm प्रोजेक्ट होने के बाद 60 बना है, तो थीटा हमारा क्या आ गया cos इनवर्स, मैंने उल्टा बता दिया होगा उस वक्त, ठीक है, 60/75 नहीं 75/60 होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, 60/75 होगा, सॉरी 60/75 होगा, मैं कंफ्यूज हुआ, ठीक है, तो बेसिकली आपका 75, ये बेसिकली क्या है 75 cos थीटा, 75 गिवन है एंड 60 भी गिवन है, ठीक है 75 गिवन है 60 भी गिवन है, तो 75 cos थीटा इज इक्वल टू 60, तो cos थीटा इज इक्वल टू 60/75। आपके कंफ्यूजन प्रॉब्लम नंबर 4 में, प्रॉब्लम नंबर 4 हल्का सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए बोलूंगा कि प्रॉब्लम नंबर 4 आप ज्यादा ध्यान दीजिए इस पर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये।
आप कोई डाउट है पॉइंट नंबर फोर पे? नो सर। और कोई भी एग्जांपल हो जो जिसको समझना हो फिर से पूछ सकता है। चलिए फिर तो एक बार हम तो अब हम आपका फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वो क्या है आपका? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स। तो प्लेन आपका बेसिकली क्या है? मैंने पॉइंट बताया आपको, पॉइंट बताया, पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? प्लेन। ठीक है, पॉइंट प्लस स्ट्रेट लाइन अगर आप करें तो क्या कहां तक पहुंचेंगे हम? प्लेन्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि ऐसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, टॉप व्यू में कैसे दिखेगा वो, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। इसमें भी इंक्लिनेशन होंगे आपके प्लेन्स के साथ। ठीक है, पोजिशन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, इन दिस टॉपिक वेरियस प्लेन फिगर्स आर द ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन में आपका? फ्रंट व्यू पूछ सकते हैं, टॉप व्यू पूछ सकते हैं, या फिर कोई साइड व्यू पूछ सकते हैं। व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम? डिस्क्रिप्शन, प्लेन फिगर कैसा है, रेक्टेंगल है या आपका स्क्वायर है या ट्रायंगल है या सर्कल है, एंड इट्स पोजीशन विद द एचपी एंड वीपी, मतलब एचपी से कितना ऊपर है रेक्टेंगल और वीपी से कितना आगे है रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए तो और फिर इन विच मैनर इट्स पोजिशन विद द एचपी एंड वीपी डिस्क्राइब, मतलब एचपी एंड वीपी के साथ क्या उसका रिलेशन है, वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ इट्स सरफेस विद वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन्स, मतलब कोई इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, या फिर कोई एज होगा, या फिर पूरा पूरा का पूरा सरफेस ही इंक्लाइंड होगा या तो कोई ना कोई एज इंक्लाइंड होगा। अभी इसको मत देखो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, अभी तो बस यहां तक देखो। ठीक है, चलिए, सरफेस पैरेलल टू एचपी, ठीक है, ये वीपी एचपी है, सरफेस इंक्लाइंड टू एचपी एंड वन स्मॉल साइड इंक्लाइंड टू एचपी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या है आपका? दोनों ही एचपी इधर पैरेलल है, एचपी इधर पैरेलल है ये। ठीक है, ये इंक्लाइंड है एचपी के साथ, सरफेस इंक्लाइंड, पूरा का पूरा सरफेस ही इंक्लाइंड है और कोई स्मॉल एज इंक्लाइंड टू वीपी, मतलब आपका इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एचपी के साथ इंक्लाइंड, इसमें क्या है एचपी के साथ भी इंक्लाइंड है एंड वीपी के साथ भी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको इसका ट्रू शेप, वहां पर हम क्या किसकी बात करते थे, ट्रू लेंथ की, यहां पर हम किसकी बात करेंगे, ट्रू शेप की। तो यहाँ पे ट्रू शेप किसमें दिखेगा आपको? ऑब्वियसली बात है, टॉप व्यू में आपको इसका ट्रू शेप दिखेगा एंड फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? बस एक लाइन दिखेगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका फ्रंट व्यू में आपको एक स्लैंट लाइन दिखेगी एंड टॉप व्यू में क्या दिखेगा? प्रोजेक्टेड लेंथ। बेसिकली अगर ये एल है तो ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, यहाँ भी एल कॉस थीटा, यहाँ भी एल कॉस थीटा, उसको आप जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एल कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया। अगर ये एल का स्क्वायर है तो ये एल कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, एल कॉस थीटा रेक्टेंगल बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, समझ में आई? और थर्ड वाले में तो दोनों में ही कोई ना कोई एंगल होगा। ठीक है, एफ वी आपका, टॉप व्यू आपका, इसमें फ्रंट व्यू स्लैंट लाइन, टॉप व्यू छोटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल छोटा होगा इसमें, फ्रंट व्यू भी कुछ होगा एंड टॉप व्यू भी कुछ होगा, दोनों ही रोटेटेड होंगे। ठीक है, तो देखो आपको यहां से यहां कैसे पहुंचना है, सबसे पहले आप ऐसा बनाओगे कि उसके बाद एक इंक्लिनेशन दोगे, समझ लो कि ये आपका थीटा वन है, इंक्लिनेशन विद एचपी, उसके बाद आप इसको इसको इंक्लाइन करोगे और फिर बनाओगे इंक्लिनेशन जो इसका वीपी के साथ। ठीक है, बस स्टेप्स बता रहा हूँ, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपके पोजिशन ऑफ प्लेन्स का। ठीक है, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कैसे पहुंचे हम लोग, देख पा रहे हो आप? अगर आपको अगर देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सिंपल कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आप इसका बनाओगे, ऐसा बनाओगे, उसके बाद आप यहां तक पहुंचोगे। आपको ये तो स्टेप नंबर वन करना ही पड़ेगा आपको हमेशा, आप कभी भी डायरेक्टली यहां नहीं पहुंच जाओगे। स्टेप नंबर वन, फिर स्टेप नंबर टू, अगर यहीं तक पहुंचा क्वेश्चन ने तो आंसर यहीं पे खत्म आपका। पर अगर क्वेश्चन में
दोनों के साथ इंक्लाइंड है, तो ये आपका स्टेप नंबर थ्री आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री कैसे कैसे करे हुए आपको दिख ही रहा है। सबसे पहले आप सिंपल केस बनाओगे, उसके बाद क्या है, इक्वेशन विद एचपी, एचपी के साथ इंक्लाइंड है मतलब थीटा वन, अगर एचपी के साथ इंक्लाइंड है तो कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू पे। तो बेसिकली आप फ्रंट व्यू को रोटेट करोगे कितना, थीटा वन। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को आपका ये पॉइंट जहां पर कट करेगा इस पॉइंट को नीचे ले जाओगे और फिर इन पॉइंट्स को भी यहां से लाओगे, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इसका साइड बन जाएगा। ये बताओ अगर ये L1 है और ये L2 है, L1 और L2 में क्या रिलेशन है बताओ। बेसिकली L2 क्या है आपका, L1 cos थीटा है कि नहीं, cos थीटा 1 ले लो आप। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस दो स्टेप्स ही बताऊंगा अभी। ठीक है, तीसरा हल्का सा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और चीज देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ए डैश बी डैश लिखा हुआ है, एक ही पॉइंट के दो दो नाम। आप कहोगे सर एक ही पॉइंट के दो दो नाम कैसे है, क्योंकि देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, पर फ्रंट व्यू में दोनों ही पॉइंट आपका एक ही पॉइंट इन दोनों को डिनोट कर रहा है, आपको बेसिकली ए दिख रहा है बी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सेम ही पॉइंट फ्रंट व्यू में ए डैश भी डिनोट करेंगे एंड बी डैश भी डिनोट करेंगे। समझ पा रहे हो। सिमिलरली ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो सेम ही पॉइंट फ्रंट व्यू में आपका सी डैश भी बोलेगा और डी डैश भी बोलेगा। कोई कंफ्यूजन आपको, हल्का हल्का बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ आज प्लेन्स के, फिर अगले क्लास में करेंगे हम प्लेन्स को, तो कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो यहां तक इस स्लाइड तक मैं आपको पीडीएफ बना के अपलोड करूंगा और जो वीडियो में दिखाई थी वो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको रिवाइज कीजिए, स्ट्रेट लाइंस को रिवाइज कीजिए और प्लेन्स के हल्के से कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे। और आप लोगों को पता ही है इस महीने आप लोगों का मिडसेम भी है, मिडसेम आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स तक आए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स बेसिकली जैसे आपका स्कूल में होता है यूनिट टेस्ट, वैसे यहाँ पे होता है मिड सेम। ठीक है, तो मिड सेम का आपको टेंटेटिव डेट बता दूं मैं, आपका 24th से स्टार्ट है मिड सेम। ठीक है, 24th से। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली यही डेट है आपका। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स तक सब समझिए और ये बताइए मेरे को, असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? असाइनमेंट्स गूगल क्लासरूम में बिल्कुल भी सबमिशंस नहीं आ रहे, पिछले असाइनमेंट के सिर्फ 15 सबमिशन आए हैं आउट ऑफ अब 62 लोगों। तो कोई आपको डाउट आ रहा है असाइनमेंट पे तो आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो असाइनमेंट्स आप लोग टाइम पे सबमिट करते रहो। ठीक है, और अटेंडेंस, यस अटेंडेंस मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग अभी शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तो क्लास को यहीं पे एंड करता, अभी बस मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ और अटेंडेंस आपको